किसानों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। पुलिस ने वहां एक बाइक के भी निकलने की जगह नहीं छोड़ी है। हमारे रिपोर्टर नासिर हुसैन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या है सिंगू बॉर्डर पर हालात। लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाकर सिंगू बॉर्डर के फ्लाईओवर को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब किसी भी गाड़ी के, यहाँ तक कि बाइक के जाने की भी रास्ता नहीं है। और नीचे के जो सर्विस रोड थे लेफ्ट एंड राइट साइड, वो कल दोपहर में ही बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। अब यहाँ तक कि अगर हरियाणा की तरफ से कोई एम्बुलेंस आती है या किसी ज़रूरी सामान को लेकर दिल्ली की तरफ जाने के लिए कोई गाड़ी आती है या दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए कोई गाड़ी आती है तो उसके जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। किसी भी तरह का विकल्प नहीं छोड़ा गया है, पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इसके अलावा और भी बैरिकेड लाए जा रहे हैं, उन्हें भी रखा जा रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से किसान दिल्ली में दाखिल ना हो।